जय गुरुजी। गुरुजी से मैं पहली बार साल 2000 में मिली थी। मैं उस समय बॉम्बे में रहती थी, मेरे माता पिता बॉम्बे में, मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे माता पिता बॉम्बे में रहते थे। मैं विशाल जी को तब जानती थी दो हजार में। एंड विशाल, मुझे पंजाब की या पंजाबी भाषा की समझ नहीं थी, पंजाबी संस्कृति के बारे में नहीं पता था, समझ में नहीं आती थी। जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी एक कंसोल पे बैठे हुए थे, ट्राउजर और शर्ट पहन के। जब हम वहां पहुंचे, काफी नामी लोग उनके पास उनके चरणों में बैठे थे। कुछ समझ में नहीं आया एक सेकंड के लिए कि ये हम कहाँ आ गए हैं, कि विशाल मुझे कहाँ ले आए। लेकिन क्योंकि विशाल बहुत ही गंभीर इंसान है, तो इनकी हर सोच के पीछे मुझे पहले दिन से विश्वास बहुत था। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, तो कपड़े भी उनके बहुत रंगीन और माहौल भी बहुत आलीशान। और उम्र मेरी बहुत कम थी, मैं 21 साल की थी, मुझे समझ नहीं थी उतनी। तो मैंने देखा तो थोड़ा सा मेरे को लगा, मेरे का विशाल ये हम कहाँ आ गए, तो जगह नहीं समझ में आई। खैर, हम जाके गुरुजी के चरणों में बैठ गए, और जैसे गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी कहते, ये तेरी सहेली है, विशाल को कहते। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे समझ में आ गया सहेली का तो डेरोगेटरी मीनिंग है। विशाल ने, हाँ जी गुरु जी, मेरी सहेली है। फिर गुरु जी ने कहा, ये तो बॉम्बे तो आई है। विशाल ने कहा, हाँ जी गुरु जी, बॉम्बे तो आई है। एदा डैडी तो पायलट है। विशाल चुप हो गए, हाँ जी कहते गए। गुरु जी बोलते गए, विशाल हाँ जी करते गए। मुझे कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रही थी। मैं भी चुपचाप पीछे खड़ी हुई हाँ जी कर रही जा रही थी। खैर, गुरु जी ने कहा, बैठो लंगर करो। हम बैठ गए, हमने लंगर खाया, बड़ा ही स्वाद लंगर था, बड़े शौक से खाया। फिर मैंने बाहर जाके विशाल जी से पूछा, मैंने कहा, ये तुमने कब बताया इनको ये सब मेरे बारे में, कि मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे फादर पायलट हैं और मैं सहेली। मैंने कहा, कितना कैसे तुमने बोल दिया, हाँ मैं तुम्हारी सहेली। खैर, विशाल हंसने लगे। इनको, गुरुजी को समझना एक तुच्छ, हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए, हम बहुत ऊपर थे गुरुजी हमारे, हमारी समझ में ही इतनी हमारी समझ ही नहीं थी कि हम गुरुजी को समझ सके। खैर, ऐसे वक्त बीतता गया, विशाल मुझे गुरुजी के यहाँ लेके जाते थे, और बड़े हम खुश होके बैठते थे। कई बार बैठे बैठे गुरुजी के मंदिर में ऐसे रोना आने लगता था, बिना किसी कारण के। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या चीज आपको परेशान कर रही है, और घंटों घंटों गुरुजी के यहाँ बैठ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैं रोया करती थी बिना किसी कारण के। गुरुजी ने हमेशा बहुत प्यार से हंस के आशीर्वाद दे के हमेशा आने दिया, लंगर कराया। कभी कह देते थे 12 बजे कि जाओ ये गोल लौकी लेके आओ, और हम लोग दो दो तीन तीन घंटे दिल्ली में घूमते रहते थे, और हमें कभी गोल लौकी नहीं मिलती थी। और बड़ा अचंभा होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी मामूली सी सब्जी नहीं मिल रही। और जब हम आते थे 2 बजे सुबह, कभी वापस आते थे आजादपुर मंडी ढूंढ के और कहां ढूंढ के, गुरुजी लौकी नहीं मिली। चल कोई नहीं, घूम फिरते आए। तो बड़ा अजीब लगता था कि गुरुजी आप हमें 4 घंटे से पूरा शहर घुमा दिया आपने, आप बोल रहे हो घूम फिर आए। खैर, पता नहीं क्या कष्ट काटते थे गुरुजी हमारे। फिर हम बैठ जाते थे गुरुजी की संगत में, लंगर खाते थे। ऐसे कुछ दिन चलता गया। फिर गुरुजी ने मेरे को और मेरी मदर को कहा कि आप लोग दिल्ली आ जाओ। हम बॉम्बे से आके विजिट करा करते थे, तो हमसे कहा दिल्ली आ जाओ। हम दिल्ली आ गए, हमारा घर था जीके में, हम वहां रहने लगे। एक दिन घर, हमारे घर के नीचे से हमारी गाड़ी चोरी हो गई। बड़ा अजीब लगा, गुरुजी के पास गए, हमने कहा गुरुजी रात को आना बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो हमारी तो कार चोरी हो गई। गुरुजी ने हमारी बात ही नहीं सुनी, हमारी तरफ देखा भी नहीं, दूसरी तरफ देखने लगे।
हमको विशाल ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलने की कोई, हम लोग उठ गए। अगले थोड़े दिन बाद गुरुजी के पास हम फिर गए। गुरुजी गाड़ी चोरी हो गई तो अब गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो मेरे मंदिर को कहते गोरी चिट्टी ली अपने वर्गी। तो हम लोगों ने जाके अगले दिन व्हाइट कलर की गाड़ी खरीद ली और हम लोग गाड़ी को यूज करने लगे। थोड़े दिन बाद हमें करीब इस बात को 4 महीने हो गए थे, 4 महीने बाद फोन आया पुलिस स्टेशन से कि आप कुछ गाड़ियां चोरी की मिली हैं, आप आके देख लीजिए। तो फादर साहब ने बॉम्बे से फोन करके कोई जरूरत नहीं पुलिस स्टेशन जाने की, मैं आऊंगा अगले हफ्ते देखेंगे। खैर जब हमारे फादर साहब आए तो हम लोग को उम्मीद तो नहीं थी, बट हम ऐसे ही चले गए देखने के लिए। जब हम वहां गए तो हमारी गाड़ी थी वहां पे, एंड जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट करी उसमें सारे में ओम 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 की बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई और किसी ने उसको जैसे टैक्सी बना दिया। खैर हमें बड़ी हंसी आई, हमने ओम देखा सारे में, मुस्कुराए, गाड़ी लेके घर आ गए। कुछ दिन बीते, करीब साल हो गया हमें दिल्ली, तो गुरुजी मेरी मदर को बोलते कैप्टन बड़ा चंगा बंदा है, उन्हें तेरी बड़ी सेवा की थी है, हुन तेरा टाइम है, जा बॉम्बे जा। बड़ी अजीब लगी बात, ठीक है जी, हम लोग भी चले गए वापस। थोड़े महीने दो महीने बाद वापस चले गए हम लोग बॉम्बे। मेरी और विशाल की कोर्टशिप चल रही थी, मेरे पेरेंट्स को विशाल बहुत पसंद थे, लेकिन क्योंकि इनकी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी इसलिए हम भी रुके हुए थे। फिर एक दिन विशाल जी जाते हैं गुरुजी के पास और कहते हैं गुरुजी शादी करनी है। बोलते तू की करना ब्याह करा के। विशाल ने कहा नहीं गुरुजी, तुसी क्या सी ब्याह करा ले, ब्याह करा ले, तुसी कहने हो ब्याह करा ले। गुरुजी कहते चल जा 23 अप्रैल। तो एक सांस में गुरुजी ने 23 अप्रैल डेट दे दी मेरी मदर को और विशाल को। इन लोगों का फोन आया मुझे कि अश्मा ऐसे ऐसे 23 अप्रैल डेट आ गई है गुरुजी की। मैंने कहा ऐसे कैसे इतनी गर्मी में, हम लोग तो नॉर्थ आते ही नहीं गर्मी में, तो 23 अप्रैल तो बहुत गर्मी होगी। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली पहुंची गुरुजी के मंदिर कि मैं जाऊंगी गुरुजी से, मैं कहूंगी गुरुजी ये क्या डेट निकाली आप। जब मैं पहुंची गुरुजी के पास, उसके पहले मनकट आंटी बैठे हुए थे साइड पे, मुबारका मुबारका सब लोग कहने लगे। मैंने कहा मुबारका गुरुजी ने कितनी खराब डेट निकाली है, इतनी गर्मी में कौन शादियां करता है, हम तो नॉर्थ भी नहीं आते इतनी शादी में। तो सब बोलते बेटे ये तो डेट ही बहुत अच्छी है। मैंने कहा कैसे, बोलते 23 अप्रैल 2005 2345। तो जो सोच से मैं आई थी, लड़ूंगी झगड़ूंगी कहूंगी ये क्या डेट निकाली गुरुजी, इतनी गर्मी में शादी आप करवा रहे हैं माई, तो उसका जवाब तो गुरुजी के दरवाजे पे ही मिल गया। खैर चुपचाप लंगर करा, विशाल ने भी कहा देख लिया जवाब मिल गया। अरे गुरुजी ने बहुत खुशी से बहुत अच्छी डेट दी। उसके बाद हमारी शादी जब हुई तो गुरुजी को विशाल जी ने जाके कार्ड्स रख दिए उनके चरणों में। गुरुजी को जो ठीक लगा उनने उन सब लोगों को शादी के कार्ड दे दिए। ये वही लोग थे, वही फैमिलीज थी जो 6 महीने पहले विशाल की सिस्टर की शादी में देहरादून आई थी, और वही फैमिलीज को गुरुजी ने पता नहीं किस कारण से हमारी शादी में भी भेजा। हमारी शादी की डेट करीब आई, बड़ा घबराहट थी कि इस मौसम में कैसे शादी होगी। 23 अप्रैल जब हमारी शादी हुई तो इतनी ठंड थी कि लोग सूट्स शॉल्स ये सब पहन के शादी में आए थे। उसके बाद हमारा रिसेप्शन हुआ, उस पे भी खूब ठंड थी। तो गुरुजी आपके इतनी छोटी छोटी बातों पे भी आपको माँ बाप की तरह भगवान, मतलब क्या नाम दूं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि गुरुजी मेरे भगवान हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे फ्रेंड हैं। ये कोई शब्द नहीं है, कोई एक शब्द नहीं है मेरे लिए इस रिश्ते के लिए कि मैंने क्या कहूं, बट आई थिंक ही इज प्रोबेबली माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। वक्त बीता, गुरुजी हमारी अप्रैल में शादी हुई थी और जुलाई में गुरुजी के बर्थडे पे हम लोग जलंधर से चले।
मैं और विशाल अमेरिका मूव करना चाह रहे थे। हमने काफी बिजनेस क्या खरीदना है, बिजनेस क्या प्लानिंग करनी है, पार्टनर्स के साथ बात, ये वो सब कुछ हमारा फाइनलाइज हो गया था। वीजा आ गए थे, हम लोग गुरुजी के मंदिर गए जलंधर से। एंड जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे, गुरुजी के चरण चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुके, तो मेरे को तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ देखा भी। मेरे पीछे विशाल थे, कहते कहते आया है। विशाल ने कहा गड्डी थे आए गुरु जी, जे तू मेरा काम करेगा तेनू मुंडा हो। विशाल, आई वॉज शॉक्ड एंड विशाल वॉज वेरी हैप्पी। विशाल को गुरु जी ने कहा ए पिंडों किशोरी दी चिंगड़ पुंगड़ आई है, तू इन्हू चंडीगढ़ छड़ना है ते हुने जाना है। विशाल ड्राइव करके जलंधर से आए थे और गुरु जी ने कहा उसी समय चंडीगढ़ जाओ। उस टाइम पे 8-9 घंटे आना। एनीवेज, गुरु जी का आदेश, विशाल ने जिन जिन को लेके जाना तो विशाल लेके चंडीगढ़ चले गए। उसके बाद विद इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स वी हैड अ सन, हमारा बेटा हुआ। जब मेरे बेटा होने वाला था उससे पहले मेरे फादर को कैंसर हो गया, स्टेज 4 माउथ कैंसर, एंड ही वॉज अ पायलट। मेरी शादी के बाद भी ही वॉज फ्लाइंग। वो जब कैंसर हुआ तो उनकी फ्लाइंग रुक गई। फादर बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे। मैं बॉम्बे चली गई अपने पेरेंट्स के बाद, 4-5 महीने उनके पास रही उनको लुक आफ्टर करने के लिए। गुरुजी से फोन करके इधर उधर फ्रेंड्स को कहते थे गुरुजी को कहना ऐसे ऐसे, बट सब कहते थे कि हिम्मत नहीं होती गुरुजी से क्या कहें। वो तो किशोरी अंकल कहते थे गुरुजी से प्लीज बोलिए, किशोरी अंकल पापा बहुत बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो वो कहते थे आशिमा गुरु जी नु कहन दी लोड नहीं है। तो मैं बड़ी मायूस होती थी, मैंने कहा देखो किशोरी अंकल मेरा मैसेज नहीं पहुंचा रहे गुरु जी तक। लेकिन किशोरी अंकल गुरु जी को समझते थे, हम ना समझते। जब गुरु जी के पास मेरा बेटा हुआ अप्रैल में 2006 में, तो गुरु जी के चरण, ये 21 दिन का जब हुआ, हम लेके उसको गुरु जी के चरणों में गए। गुरु जी के चरणों में जाके हमने देव को रख दिया और मैं बहुत दूर खड़ी थी, एम्पायर स्टेट में दरवाजे के पास में खड़ी थी, गुरु जी अपने आसन पे बैठे हुए। जब मैं गई तो गुरु जी को देख के एकदम से मुझे रोना आने लगा। जैसे आप अपने माँ बाप को देखते हो बहुत वक्त बाद आपको रोना आता है, और बड़े कष्ट देख के आ रहे थे, माता पिता की कष्ट परेशानी देख के बहुत दुख होता है, तो मन बहुत भारी था। एनीवेज, हम पहुंचे और गुरुजी मुझे देख के, क्योंकि मैं उनके पास नहीं गई, मैं बहुत दूर खड़ी थी और वहीं से मैंने माथा टेका और वहीं खड़ी रही मैं। विशाल इसको बच्चे को लेके गुरुजी के चरणों में रखा, देव को। विशाल की तरफ गुरुजी ने नहीं देखा, मेरे माँ की तरफ नहीं देखा। मैं इतनी दूर खड़ी थी, मेरी तरफ जोर की चिल्ला के बोले रोनी क्यों है, तेनू मुंडा देता, तेरा व्याह कराता, तेरे प्यो नु ठीक करता, तेरी भैन नु ठीक करता, होर की चाहिए तेन। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी की तरफ आंखें उठा के देख सकूं। मेरे आंखें नीचे रही और मेरे आंसू बहते गए बहते गए, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरु, कभी हिम्मत नहीं थी, आज भी हिम्मत नहीं है गुरुजी के स्वरूप से भी आंखें मिलाने की, और तब भी कभी हिम्मत नहीं थी गुरुजी की तरफ देखने की। उसी सांस में गुरुजी कहते तेनू होर की चाहिए, जाए खोर न्याणा ले जा। तब मैंने गुरुजी की तरफ देखा ऊपर और मैं हंसने लगी। तो उनका तरीका क्या था, कैसे उनने हमें संभाला, कैसे मेरे फादर की इतनी स्टेज 4 कैंसर की इतने बुरे हाल में गुरुजी ने उनको आज 15 साल हो गए जिंदा रखा हुआ है। फादर रिकवर करने लगे, सब कुछ ठीक होने लगा।
गुरुजी ने हमें चंडीगढ़ मूव करा दिया था। विशाल ने उनसे पूछा था मैं दिल्ली शिफ्ट करूं, उनने कहा था नहीं चंडीगढ़ शिफ्ट करो। गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ, विशाल अचीव्ड अ लॉट, ही वर्क्ड वेरी हार्ड एंड वी हैव टू चिल्ड्रन नाउ, दो बच्चे हमारे, एक लड़का एक लड़की है। जब हमारी लड़की पैदा हुई तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या नाम रखें, तो हम लोग शिमला गए हुए थे, हमने इसका नाम इनायत रख दिया था, पासपोर्ट्स पे सब हर डॉक्यूमेंट पे इनायत नाम था, और हम लोग उस पे ट्रैवल भी कर चुके थे उस पासपोर्ट पे। उसके बाद हमारी बिटिया शायद 1-1.5 साल की थी, एंड वी आई समहाउ आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द नेम इनायत। मुझे कुछ खुशी अजीब सा लगता था, उसको इनायत में बोलती भी नहीं थी, तो हम लोग बार बार सोचते थे क्या नाम रखे, क्या नाम सोचे, अब तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, अब क्या नाम बदलना। तो हम लोग शिमला गए हुए थे, मॉल रोड पे वी वर वॉकिंग, तो सामने से सबीना आंटी और उनके हस्बैंड वॉक करके मॉल रोड से उतर रहे थे और हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो हमने एक दूसरे को जय गुरु जी कहा, मैंने कहा मैं आपको 10 साल पहले से जानती हूं, ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हो गई। सबीना आंटी मुझसे कहती अरे हमारी डॉटर का नाम है गौरी और ऐसे ऐसे हमने अपनी बेटी का नाम, वो सत्संग करने लगी अपने। मुझे लगा कि गुरुजी चाहते थे कि हम अपनी बिटिया का नाम गौरी रखें। विशाल ने और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, हमें समझ में आया कि ये गुरुजी का आदेश है। हमने वापस आके सारे कागज बिटिया के बदले और उसका नाम गौरी रखा। इसके बाद चीजें जिंदगी चलती रही, गुरुजी ने हर हर तरफ हर समय हमें संभाला और हमें रास्ता दिखाते रहे। कुछ साल बीते, मेरे फादर साहब जो जिनको पहले कैंसर हुआ था, वो मेरे घर आए हुए थे चंडीगढ़। वो मेरे घर से निकले और मुझे कभी ऐसे, माँ बाप इतने साल हो गए, कभी माँ बाप के घर से जाने से अब कोई बहुत घबराहट बहुत तकलीफ होती नहीं थी, लेकिन पिछले साल जब वो गए तो मुझे कुछ ऐसी परेशानी हुई। मैं अपने घर के बाहर बैठ के करीब आधा घंटा रोती रही, जैसे मन बहुत परेशान बहुत दुखी था। उसके बाद आके मैं सो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं उठेंगे, माँ बाप के कई बार जाने में मन मायूस होता है। करीब 10 बजे मेरे मदर का फोन आता है कि अशुमा पापा को कुछ हो गया है, और वो जोर जोर की चिल्ला रही थी गुरु जी कुछ करिए, गुरु जी कुछ करिए। हमारे फादर हैड अ स्ट्रोक वाइल ड्राइविंग नियर सोनीपत, एंड एकदम से मेरे मदर जब चिल्लाने लगे तो सामने एक गाड़ी आई और मेरे फादर की स्लो मूविंग कार वेंट एंड हिट इनटू दैट कार, नहीं तो ये लोग बहुत बुरी तरह हर्ट होते। एनीवेज ही हैड अ स्ट्रोक, उनका ट्रीटमेंट हुआ, जो उसका आफ्टर इफेक्ट था वो तो रह गया, बट ही सर्वाइव्ड। उसके कुछ दिन बाद मदर को हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट हार्ट अटैक, वी डिड नॉट गेट टू नो। फिर भी गुरुजी की कृपा से टाइमली वी कुड रीच हर टू बॉम्बे एंड वी गॉट हर ट्रीटेड। फादर मेरे कैंसर पेशेंट हैं, सिस्टर बीमार है, मदर हार्ट पेशेंट हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं गुरुजी की ऐसी हम पे कृपा है कि हर चीज जो हम सोचते हैं कि हम इस परेशानी में हैं या इस तकलीफ में है, आज गुरु जी के इतने साल चोला छोड़ने के बाद भी कभी ये घबराहट नहीं होती कि ही इज नॉट देयर, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज गाइडिंग अस, ही इज हेल्पिंग अस, ही इज सेविंग अस। बहुत बार कोई चीज होती है जहां हम कोई दुविधा में पड़े होते हैं, हम सोचते हैं गुरु जी ये काम आप क्यों नहीं करा रहे हैं, ये हमारा काम सीधा क्यों नहीं पड़ रहा, बट हम ये नहीं समझते कि गुरु जी हमको किस तकलीफ किस परेशानी किस मुसीबत से निकाल रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बिलीव दैट ही इज टेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर अस।
हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब तक हमारे हिसाब से काम हो रहा होता है हम बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं, जब हमारे मन की चीज नहीं हो रही होती हम सोचते हैं गुरुजी हमारे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत वक्त तक लोग अपने सत्संग में कहा करते थे आज मुझे गुरुजी की खुशबू आई, कोई कहता था आज गुरुजी मुझे ओम दिखाई दिया, आज मुझे मोर दिखाई दिया। आज मैंने कहा मुझे क्यों नहीं गुरुजी दिखाई दिए, मुझे गुरुजी की खुशबू क्यों नहीं आई। आई हैड स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग माई फेथ। फिर मुझे मैंने अपने आप को समझाया मैं तो गुरुजी की फेवरेट चाइल्ड हूं, गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया बहुत बड़ी कृपा, गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर दिया बहुत बड़ी कृपा, गुरुजी ने इस लायक समझा कि उनके मंदिर में हम आ सकें बहुत बड़ी कृपा, गुरुजी ने इतने 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 आशीर्वाद दिए, इतनी जिंदगी सुखदायक। आज हम लोगों के घरों में सुख शांति है, बीमारी आती है चली जाती है। इतनी बड़ी बीमारी लोगों के घरों में आ रही है, हमारे मेरे घर में भी, बट गुरुजी ने उसको हमको उस मुसीबत से बचा लिया। एक वक्त था मैं ये लोगों की बातें सुन के मैं सोचने लगी थी कि मेरी गुरुजी या तो मुझसे प्यार नहीं करते या गुरुजी और आप और लोगों की भक्ति बहुत अच्छी है जो गुरुजी उनको दर्शन देते हैं। बड़े दिन मेरे मन में ये ख्याल रहा और एक दिन विशाल रात को 12-1 बजे कहीं से वापस आए, रात काफी देर, और मैं दरवाजा खोल के वापस आई तो मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा तुम कहां से आ रहे हो, इतनी गुलाब की खुशबू कहां से आ रही है। गुलाब की खुशबू पूरी रात हमारे साथ रही और अगले दिन सुबह गायब हो गई। तो जो लोग कहते हैं, जिसको जिसपे मैं भी शंका करती थी कि क्या कहानियां बनाते हैं लोग, मैंने कहा ये बातें करते हैं, देखो इन बातों में कोई मतलब नहीं है, बट मतलब है क्योंकि गुरु जी ने उसका जवाब मुझे दिया कि मैं हूं और जब मुझे अपनी सच्ची आस्था से पुकारोगे तो मैं आऊंगा और मैं अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगा। तो गुरु जी तो हैं, कभी किसी के मन में शंका आए, कभी घबराहट हो तो आप इससे बेचे बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहें, गुरु जी अपने बच्चों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। गुरु जी की इतनी इतनी इंस्टेंसेस हैं कि कई बार सोचती हूं, गुरु जी का जब गुरु जी ने चोला छोड़ा तो हम लोग चंडीगढ़ से बहुत लोग जा रहे थे, हमने भी सोचा हम भी जाएंगे, हम डुगरी के लिए निकले। जब हम डुगरी के निकले, विशाल जी बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, तो हम बच्चों को नहीं लेके गए क्योंकि इट वॉज अ वेरी हॉट डे एंड वी डिडंट एंड एवरीबॉडी वॉज वेरी ओवरवेलम्ड, सो मन बहुत दुखी परेशान था। डुगरी जाते में हमारे साथ एक ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे कोई चिड़िया बैठी है गाड़ी में, वो च्यू च्यू ची 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 सी आवाज, अजीब सी आवाज करती चली जा रही है। हम लोग बार बार गाड़ी को रोकें, पीछे देखें कि क्या है, कभी टायर के नीचे देखें कोई चीज फंस गई है, कुछ ना हो, जैसे ही हम गाड़ी रोके वैसे ही वो आवाज भी रुक जाए, फिर हम आगे चलते थे फिर हम रुक जाते थे। तो ये चीज हमने 4-5 बार कई बार हमने करी। विशाल जी ने कभी इतनी खराब गाड़ी शायद ना उस दिन से पहले कभी चलाई थी ना उस दिन के बाद। मुझे लगता है विशाल सोच ही नहीं सकते थे, कोई भी नहीं सोच सकता था कि गुरुजी चोला छोड़ जाएंगे और हम सब ऐसे डिसहार्टेंड और मायूस और बिल्कुल अनाथ जैसी फीलिंग हम लोगों को उस समय आ रही थी कि सभी बौखलाए हुए थे, हम ही क्या सभी परेशान थे। तो विशाल इतनी खराब गाड़ी चला रहे थे उस दिन और मुझे लगता है गुरुजी बार बार इनको रोक रहे थे, बार बार रोक रहे थे। और जैसे ही हम डुगरी मंदिर पहुंचे हैं तो हमने सामने बहुत सारे पेड़ पे मोर देखे बैठे हुए, वो संगत थी आसपास। मैंने कहा आज तो हम बहुत रुकते रुकते आए हैं, बहुत परेशान होते होते आए हैं। तो संगत जो सामने खड़ी थी बोलते आपको क्या पता आपकी कौन सी परेशानी काट, कौन सी विपता काट दी गुरु जी ने, कौन सी संकट में आप आने वाले थे जो आपके कट गया। हमें भी यही लगा, हो सकता है समझ में आई कि आज तक जो चीज, और उसके बाद ना वो आवाज आई, हम वापस चंडीगढ़ आए कोई आवाज नहीं, समझ में आया।
गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद हम अश्विनी शर्मा जी हैं मोहाली में, फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं, भले गुरु जी के जैसे गुरु जी के भक्त होने चाहिए, बहुत मैं कहूंगी बड़ी अच्छी भक्ति है उनकी। तो अश्विनी जी एक दिन बैठे थे हमारे घर, और ऐसी बात नहीं, गुरु जी का सत्संग करना चाहिए हम लोगों को। तो उन्होंने विशाल जी से ये बात शेयर करी कि विशाल भाई तुसी सत्संग करो, जे कुछ करना चाहते हो तुसी गुरु जी का वधिया जिहा सत्संग करो। गुरु जी ने तब चोला छोड़ा ही हुआ था, हम लोग भी बड़े, वी ऑल नीडेड सम काइंड ऑफ अ रीअश्योरेंस। हमने सोचा हम सत्संग करते हैं। हम लोगों ने सोचा था 50-100 लोग, है ना, आइडिया नहीं था। एक बार हमने सत्संग किया तो 250 लोग, फिर 500, फिर 750। इतनी भीड़ हो जाती थी कि हम लोगों को ऐसा था जैसे साक्षात गुरु जी आके अपनी संगत को इकट्ठा करके लंगर खिला रहे हैं, जैसे हम मंदिर में बैठ के खाते थे। बहुत कृपा गुरु जी की। मेरे हस्बैंड विशाल जी बहुत कम बात करने वाले, गंभीर पर्सनालिटी वाले आदमी है, बट हिज कनेक्शन टू गुरु जी इज वेरी यूनिक। मुझे कई बार लगता है कि मेरे से ज्यादा मोहब्बत गुरु जी विशाल को करते थे, और विशाल का भी प्यार गुरु जी के साथ बहुत ही यूनिक है। लॉकडाउन के टाइम गुरु जी की एक संगत हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लूंगी, जो गुरु जी के बहुत ज्यादा करीब थे, और उनकी भक्ति का, सेवा का कोई हम लोग सब मूल नहीं लगा सकते। कई बार लोग बोलते हैं इतने का लंगर, इसने लंगर कराया, उसने लंगर कराया। हम लोग एक दिन लंगर करा के घर बैठ जाते हैं थक के। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूं उनकी भक्ति सालों साल की थी, 10, 15, 18। उनने अपनी जिंदगी के इतने इतने साल गुरु जी के चरणों में दिए, और उनके पर उनका परिवार परेशानी में था। गुरु जी, हमारी सुनी कही बातें कि गुरु जी ने उनके परिवार के पास किसी संगत को भेजा कि जाओ, और ये वो लोग आए, वो बोलते हमें आपके परिवार के लिए ये काम करना है, तो ये भले मानुस ये कहते भाई मैं तो आपसे ये सेवा ले नहीं सकता। वो बोलते आपको तो लेनी पड़ेगी। तो ऐसी भी संगत है जो गुरु जी की भक्ति में जो लोग लीन रह चुके हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं, जो पुरानी संगत है जो गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की सेवा में रही है, उनको भी एक्नॉलेज करना, गुरु जी को एक्नॉलेज करना है। हम लोग उस गिनती में नहीं आते। हमें तो गुरु जी ने ब्लेस किया, हमको इस लायक समझा कि वो हम उनके गुरु जी के मंदिर में बैठ सके, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन जिन लोगों ने सेवा की बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के, उनको भूल जाना हमारे लिए गलत होगा। तो लॉकडाउन में विशाल जी ने कुछ ऐसे लोगों को, ही गॉट इन टच विद देम एंड ही फेल्ड, ही सेज गुरु जी कह रहे हैं कि मेरा ये भक्त कष्ट में है, दिक्कत में है। तो गुरु जी अपने प्यारे लोगों को कहीं नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, एक एक का इंतजाम कर रहे हैं, एक एक की तकलीफ मिटा रहे हैं। तो कभी आपके मन में शंका आए, मेरे मन में बड़ी बार शंका आई, जिसने गुरु जी को फ्लैश एंड ब्लड में देखा है, जिसकी जिंदगी पे इतनी इतनी कृपाएं हैं गुरु जी की, मेरे भी मन में बहुत बार शंका आएंगी। मैं नहीं कहूंगी कि मेरी भक्ति बहुत ऊंची है, भक्ति गुरु जी की भक्ति में तो लीन होना एक प्रोसेस है। टू रीच दैट लेवल ऑफ भक्ति हमें बहुत बहुत वक्त लगेगा, और गुरु जी को समझने में भी। कई बार हम लोग गुरु जी के सत्संग में बैठे होते थे,
हिम्मत तो होती नहीं थी गुरुजी को देखने की, लेकिन कभी आंख उठा के देखते थे तो गुरुजी आपकी तरफ देख रहे होते थे। हमें लगता था ये तो हमारे गुरुजी हमारे पर्सनल हैं, ये तो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं इनसे बात कर रही हूँ और ये मेरी तरफ देख के जवाब उस बात का जवाब दे रहे हैं या मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। और संगत में बैठे हर आदमी को ऐसा लगता था। गुरुजी साक्षात अगर वहां 100 लोग बैठे थे तो 100 के 100 को लगता था गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं। कई बार गुरुजी के सत्संग में बैठ के जब गुरुजी अपने कमरे से निकलते थे, मैं बड़ी कोशिश करती थी कि देखूं गुरुजी चल नहीं रहे हैं, गुरुजी तो उड़ रहे हैं। बड़ी बार मैं झुक झुक के देखने की कोशिश करती थी कि ये कैसे चल रहे हैं, तो चल तो रहे नहीं है। बट गुरुजी स्माइल करते थे क्योंकि उनको पता था कि हम जो लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, हम ये उनको भी हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं। या जब गुरुजी प्रसाद पी रहे होते थे तो मेरा मन करता मैं देखूं गुरुजी क्या पी रहे हैं, थोड़ा सा बच जाए तो हम ले ले। एक बार गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हुई थी, मेनका गांधी आंटी बैठी थी, पायलट्स की और इनकी बड़ी वो चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी एंड बहुत फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी एंड मेनका जी बहुत नाराज थी कि देखिए ये कैसे हो रहा है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये लोग वैसे क्यों कर रहे हैं, इनको इतना इतना पैसा मिलता है और उसके बावजूद इनकी इतनी डिमांड्स हैं, 5-स्टार होटल में, बहुत नाराज थी। उनका नाराज होना शायद जायज था, लेकिन क्योंकि मेरे फादर पायलट थे, मैं उनकी बातें सुन सुन के बहुत अंदर ही अंदर मेरे को बड़ी परेशानी हो रही थी और मैं अंदर ही अंदर उन सब बातों का जो मेनका जी कह रही थी उनका अंदर ही अंदर जवाब दिए जा रही थी अपने मन के। और गुरुजी एक तरफ वो बैठी थी, एक तरफ मैं गुरुजी के पैर दबा रही थी, तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। गुरुजी मेरी तरफ देख कहते जवाब दे नू। अच्छा मैं कहा हां जी हां जी गुरु जी। कहते हां जी हां जी, नहीं जवाब दे नू। मुझे लगा मैंने जवाब दिया तो इनने तो मुझे बाहर निकलते ही पिटवा देना है। इतनी मैं डरूं कि मैं इनको जवाब कैसे दे सकती हूं, लेकिन जब परमात्मा आपको खुद कह रहा है जवाब दो, आपको शय मिल रही है। मैंने कहा मैम माय सिंसियर अपोलॉजीज, आई एम अ पायलट्स डॉटर। आई सेड एवरी बर्थडे दैट माय फादर वाज इन इंडिया वी कुड नेवर सेलिब्रेट विद हिम बिकॉज इफ ही हैड अ 2 o'clock मॉर्निंग फ्लाइट, हमारे घर में तो शोर शराबा 10 बजे बंद हो जाता था क्योंकि पार्टी आप कर नहीं सकते। फादर साहब को अगर 400 पैसेंजर लेके जाना है, ही वुड से माय पैसेंजर सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा दिवाली होली हमने कभी नहीं देखी अपने फादर के साथ, न्यू ईयर्स हमने नहीं देखा। अगर उनकी फ्लाइट होती है तो 12 घंटे पहले वो सोने की कोशिश करते हैं, आने के बाद 4-5 घंटे उल्टे सीधे टाइम फ्लाइट आती है, उल्टे सीधे टाइम वो सोते हैं, तो हमारे घर में तो हर समय कर्फ्यू लगा रहता है। मैंने कहा आप खाने पीने की बात कर रही हैं कि बहुत अच्छा खाना पीना मिलता है, मैंने कहा उन बेचारों को तो दिन में कई बार 2-2 ब्रेकफास्ट करने पड़ते हैं, 2-2 डिनर्स करने पड़ते हैं। मैं बहस करती गई मेनका जी से और मुझे पता नहीं कहां से हिम्मत आई थी कि मैंने उनके हर सवाल का उनको जवाब दिया, प्रेम से दिया, आदर से दिया, लेकिन हर चीज का जवाब दिया जो जो चीजें वो कह रही थी गुरु जी के चरणों में। अच्छा जी कह तो दिया, उसके बाद बड़ी घबराहट हुई कि मैंने ये मिनिस्टर हैं, मैंने इनके सामने ये क्या बातें बोलती चली गई हूं मैं। एनीवेज शी इज अ वेरी ग्रेसफुल लेडी, उन्होंने मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुना। गुरुजी हंसते चले जा रहे थे, हंसते चले, गुरुजी को बड़ा मजा आ रहा था बहस सुन के। मैं बहस करती चली जा रही थी, गुरुजी बहस करवाते चले जा रहे थे। 10-15 मिनट बाद जब मेरे को शांति मिली तो गुरुजी मेनका जी को बोलते हुंडस। तो गुरुजी को ये याद था कि ये बैठी है, ये चरणों में बैठी है, इसके फादर पायलट है, ये जवाब देगी। ये कोई ऑर्डिनरी जो गुरुजी से नहीं मिले, मैं कहूंगी आपकी शायद आस्था हमसे भी अच्छी है क्योंकि आप बिना मिले आपकी आपको गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ दिया है। हम मिले, हमने बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग करी कि गुरुजी क्या चीज है, हमारी समझ से बहुत ऊपर थे, फिर भी हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करी और हमें हर चीज पे साथ के साथ जवाब मिलते चले गए कि हम कितने मूर्ख हैं कि हम उसी मोह माया में, हम उसी ईगो में, हम उसी दुनिया की लेन देन ऊंच नीच
इन चीजों में पड़े हुए हैं। और जो एक गुरु है हमारा, एक परमात्मा है, ये उनको छोटी छोटी चीजें ही पता है। वो आपके ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो आपके ईगो को भी जवाब दे रही हैं, आपके अहम को दे रहे हैं, अहम को खत्म करने को दे रहे हैं। मैं एक बार बड़ी हिम्मत करके गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी, बहुत ज्यादा हिम्मत हम करते नहीं थे, लेकिन जब कभी एक दो बार करी, गुरुजी ने मेरी बात को बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मेरे को बहुत इज्जत दी। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी विशाल पींदे बहुत ने, मेरे लिए वो बहुत था रोज पीना। खैर गुरुजी ने बहुत जोर की डांटा, तेनू किन्ने पूछया, पीछे जाके बह जा। वो दिन था, आज का दिन है, हम कभी गुरुजी के कभी भी, मतलब जब गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा था तब भी, आज भी विशाल जी हमें कभी आगे नहीं बैठने देते। जब गुरुजी आसन पे बैठे होते थे तब भी विशाल कहते थे पीछे बैठो। और जो एक दिन हिम्मत करके मैं गुरुजी के चरणों में गई और मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी ने कहा पीछे जाके बैठ जा। और उसके एक डेढ़ साल बाद, मतलब इससे बड़ी किसी परिवार पे क्या कृपा होगी कि विशाल जी ने बैठे बैठाए घर में एक दिन ही जस्ट सेड मेरा ग्लास हटा दो। वो दिन था और आज का दिन है। We've been married 15 years. Out of that, I think 13 and a half years, he has not had alcohol. आज भी इतने साल बाद विशाल के मदर साहब आके मुझसे पूछते हैं, बेटे सच्ची नहीं पींदा? उनके लिए ये अचंबा है कि a man who used to drink and who used to enjoy his drinks completely gave up alcohol. Then Vishal also, he used to smoke. He also gave up smoking the first week after we got married. तो ये चीजें छोड़ना, गुरुजी को पता था कि ये चीजें कितनी किसी के परिवार में कितनी तकलीफ। एंड विशाल को गुरुजी बहुत प्यार करते थे, मुझसे कहीं 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 ज्यादा। विशाल की आस्था गुरुजी में तब भी बहुत यूनिक थी, आई वुड से, क्योंकि विशाल जी ने गुरुजी को बचपन से देखा है। जब किशोरी अंकल की शॉप पे वो जलंधर में आते थे शेव करवाने, विशाल जी उनको बचपन से देख रहे हैं, लेकिन बहुत साल के लिए विशाल वॉज नॉट इन टच विद गुरुजी। और जब इतने साल बाद विशाल जी गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी ने विशाल को देखते कहा था जा कुम्या। विशाल जी को समझ में नहीं आया था कुम्या का क्या मतलब है। एंड उसके एक हफ्ते बाद विशाल के सिस्टर का लंदन से फोन आया कि मेरी कॉन्वोकेशन है अगले हफ्ते, ये कि 3 दिन बाद, तू आ जा। आप समझिए कि आधे दिन में पासपोर्ट बना और गुरु जी की कृपा से आधे ही दिन में वीजा लगा एंड ही वॉज ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट आउट। विशाल नेवर इवन थॉट कि गुरुजी के कुम्या का क्या मतलब था। फिर वापस आके किशोरी अंकल का बेटा संजय एंड विशाल वेंट टू गुरुजीज मंदिर अगेन। मैं आपको 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ। फिर से गए मिलने गुरुजी को और जैसे गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी ऊपर देखे होते, फिर कुम्या आया। तो भेजा भी उनने और जब वापस आ गए तो रिसीव भी उनने किया। तो क्या कहेंगे गुरुजी, क्या चीज है। कई बार जब कुछ होता है, कोई इंसिडेंस होता है या कोई गुरुजी अपना प्यार दिखाते हैं, कई बार हंसी आती है, कई बार रोना आता है, कई बार मायूसी होती है कि आप हमें छोड़ गए, हम आपको छू नहीं सकते, हम आपको देख नहीं सकते, बड़ा रोना आता है, बड़ी घबराहट भी होती है। कई बार कोई परेशानी में गिर जाते हैं तो सोचते हैं कि आप होते, हम आपको छू सकते, हम आपके चरणों में बैठ सकते, हम आपकी गिला शिकवा कर सकते, हम आपसे भीख मांग सकते कि आप हमारे सामने ही रहिएगा। कई बार बड़ी कमी महसूस होती है कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप
बैठे नहीं हो सामने, आपके हम चरण नहीं पकड़ सकते, आपसे हम कुछ मांग नहीं सकते। दे तो आप हमें रोज ही रहे हो, लेकिन आपको हम छू नहीं पाते। मेरे फादर साहब की आपको बात बताती हूं कि मेरे फादर साहब महीने भर पहले, जब मैंने आप जब इनका स्ट्रोक हुआ, साल भर पहले मेरे फादर साहब का स्ट्रोक हुआ है, तो बड़ा मन घबराया कि हमने तो जिंदगी सोची ही नहीं गुरुजी, एक आपको नहीं छू सकते, एक फादर साहब भी नहीं रहेंगे, तो ये तो जिंदगी जीने लायक रहेगी ही नहीं। बहुत मन परेशान था। गुरुजी कह चुके थे 15 साल पहले तेरे प्यो का कैंसर ठीक करता। कहीं ना कहीं मन में बड़ा विश्वास था कि ये चीज हो नहीं सकती फिर से। और हम लोग, मेरे इनलॉज काफी बड़ी उम्र के हैं, काफी ओल्ड हैं, तो विशाल जी घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे देवर की शादी की। तो वहां कीर्तन चल रहा था और हम अरदास भी यही करने गए थे कि गुरुजी हम पे कृपा रखिए कि हम बच्चे की शादी, देवर की शादी बहुत अच्छे से कर पाए। तो गुरुजी की हम पे, हमारे परिवार पे बहुत 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 आशीर्वाद है। और मैं सबसे कहूंगी कि आप सब ऐसे गुरुजी के चरणों में बने रहें। और विश्वास तो क्या, गुरुजी अपना विश्वास खुद ही समझा देते हैं, बट अगर हम गुरुजी से जुड़े हुए तो ये हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय गुरुजी।